हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। छोटा सा इंट्रोडक्शन मिला था उस चैप्टर में, कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल पे तो हम लोग अभी पहुंच ही नहीं पाए थे। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले चैप्टर पिछले वीडियो में देखा था। स्क्रीन पे चार फिगर्स दिए गए हैं, नंबरिंग मैं कर देता हूँ सभी की। मान लो यह ए है, ये बी है, सी और डी है ना। और बगल में आंसर्स लिखा हुआ है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं इसको। पहला फिगर जो है ये किस टाइप का फिगर है, इसको देख के क्या लग रहा है? पॉलीगन है, कर्व है, क्लोज है, ओपन है, क्या है ये? ऑब्वियस सी बात है, पॉलीगन तो नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइंस नहीं है, है ना। इसमें सारे कर्व्स हैं, लाइंस तो कहीं है ही नहीं। लाइंस नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं होगा, ये कर्व होगा। ओपन होगा या क्लोज होगा? क्लोज है क्योंकि इसका कोई भी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दिख नहीं रहा है, आप बंद हो चुका है ये सब कुछ। एक रस्सी ली और दूसरे छोर से उसको गांठ मार ली, है ना। तो ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। तो ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्यों है? सिंपल इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना। सीधी सीधी लाइन जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, उलझा हुआ रस्सी नहीं है, उलझी हुई रस्सी है, ठीक है। क्वेश्चन बी पे अगर आते हैं तो बी में क्या है? ये तो एट बना हुआ है, सीधा सीधा एट बना हुआ है। तो क्या है ये? पॉलीगन तो नहीं है, कर्व बने हुए हैं, लाइंस है नहीं, तो ये पॉलीगन नहीं है, एट है ना। क्लोज है या ओपन है? क्लोज है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट कहीं पे दिख नहीं रहा है, सब कुछ मर्ज होके खत्म हो चुका है, तो ये क्लोज है। सिंपल है या नहीं है? सिंपल नहीं है क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस कर दे रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर दे रहा है ये, तो यह सिंपल भी नहीं है। हमें पढ़ना क्या है? हमें सिर्फ सिंपल चीजें पढ़नी है, इस तरह का इंटरसेक्शन वाला पॉलीगन भी नहीं पढ़ना, और ये तो कर्व है। क्वेश्चन सी में अगर आते हैं तो ओपन है, ओपन है, कर्व है, क्लोज नहीं है, ओपन कर्व है या सिंपल है? सिंपल है और ओपन है। और डी की अगर बात करें तो देखो, डी में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये ओपन है या क्लोज है, क्योंकि इसका एक पार्ट तो यहाँ पे क्लोज है ना, ये पार्ट तो इसका क्लोज है, लेकिन इधर ये खुला हुआ भी दो छोर है, तो इसको क्लोज नहीं बोलेंगे। इस तरह की फिगर्स को हम लोग क्लोज नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ नॉट क्लोज बोलेंगे, ओपन भी नहीं बोलेंगे इसको। ये ओपन भी नहीं है, ये सिर्फ नॉट क्लोज है, और सिंपल तो नहीं ही है क्योंकि अपने आप को ये इंटरसेक्ट कर दे रहा है। सी सिक्स के तरह का कुछ है ना, सिक्स इस तरह से लिखते हैं और ये खिंच गया आगे, सिक्स के जैसे का, या इसको क्रॉस भी बोल सकते, इस तरह से कट कर दिया टीचर ने, कुछ तुमने कुछ आंसर लिखा था, सर ने क्रॉस कर दिया, कुछ भी बोलो, ये सिंपल कर्व है नहीं है, सिंपल नहीं है, क्लोज भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से, क्या हम लोग ये अल्फाबेट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? एबीसीडी जो मैंने लेफ्ट में लिखा है, क्लोज है या ओपन है, क्या है, इस तरह से क्लासिफिकेशन तो हो सकता है ना। इसमें सिंपल कौन सा है? सिर्फ एक ही सिंपल है, ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सी इज सिंपल, सबसे आसान भी होता है सीखने में, स्टार्टिंग में जब सीखते हैं। और ए बी और डी, ये तीनों के तीनों क्या है? नॉट सिंपल, तीनों के तीनों नॉट सिंपल है। पॉलीगन तो है ही नहीं, कर्व से है ना। यही पे देखो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, कहीं पे डिजिटल डिस्प्ले में नंबर्स लिखा हुआ देखा है? डिजिटल वॉच अगर होगी तो उसमें नंबर्स को डिजिटली लिखते हैं, जब तो किस तरह से लिखते हैं उसपे? वन के लिए मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। वन को कैसे लिखते हैं? वन को कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, दो लाइंस आती है ऐसे, रेड ब्लैक से लिखता हूँ ज्यादा दिखेगा। वन इस तरीके से लिखते हैं, टू किस तरह से लिखते हैं? टू इस तरीके से लिखते हैं, सारी स्ट्रेट लाइंस आती है। थ्री कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, सारे नंबर्स तो लिख सकते हो,
डिजिटल क्लॉक में जैसे नंबर्स लिखे रहते हैं, फिर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सा ओपन होता है कौन सा क्लोज होता है। क्लासिफिकेशन हो सकता है ना, वन ओपन है, टू ओपन है, थ्री भी ओपन है, ओपन है। टू तक सिंपल था सभी कुछ, थ्री में आ गया तो सिंपल नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे अपने आप से इंटरसेक्ट होने लग गया, ये सिंपल नहीं है ये। फोर की अगर बात करें तो फोर इस तरह से लिखा रहता है ना, फोर भी सिंपल नहीं है, ओपन है। इस तरह से सारे अल्फाबेट्स ए बी सी डी, ए बी सी डी कैसे लिखते हैं वहां पे, अगर ए लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाता है ए, और हल्का सा यहाँ कर देते हैं। बी लिखते हैं किस तरह से, यूं 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 यूं, है ना। सी इस तरीके से, डी ये। तो इसमें कौन सा ओपन होता है कौन सा क्लोज होता है ये आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना हम लोग। ये होमवर्क में रहेगा, सारे नंबर्स को और सारे अल्फाबेट्स को डिजिटल क्लॉक में जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से लिखना है, और फिर बताना है कि यह ओपन है या क्लोज है, सिंपल है या नॉट सिंपल है। दो चीजें, ओपन या क्लोज, सिंपल या नॉट सिंपल, सिंपल सिंपल या नॉट सिंपल, ओपन या नॉट ओपन, ठीक है। इस तरह से सभी नंबर्स को और सभी अल्फाबेट्स को क्लासिफाई करना है। सबसे आसान वाला मैं बता देता हूं, नंबर जीरो हो या ओ हो, अल्फाबेट में ओ हो, दोनों इसी तरीके से लिखा जाएगा और ये क्लोज पॉलीगन बन जाता है ना, सिंपल क्लोज पॉलीगन। ओ हो या जीरो हो, दोनों का ही सिंपल क्लोज पॉलीगन बनता है, बाकी सबका तुमको बताना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो पॉलीगन का डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीगन हमें पता चल ही चुका है किसको बोलते हैं, डेफिनेशन देखो पहले आसान है, फिर इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व हुज साइड्स आर ऑल लाइन सेगमेंट्स, है ना, इसकी सारी साइड्स जो है सीधी लाइन होनी चाहिए। तो लुक एट द क्लोज्ड कर्व्स बिलो एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली, इसमें बताना है कौन सा पॉलीगन है कौन सा नहीं है। जो पॉलीगन है उसके ऊपर टिक लगा देना है, ठीक है, जो पॉलीगन नहीं है उसको क्रॉस कर देना है। तो ए पॉलीगन है, सिंपल सा पॉलीगन है, तो सीधा चार साइड का पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी इसको बोल सकते हैं। क्या नाम है इसका, एक स्पेशल नाम भी होता है इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल का, एक स्पेशल नाम होता है, किसी को पता है क्या, आपस में डिस्कस करो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसी चैप्टर में आगे हम लोग को पढ़ना है इसका नाम। बी की बात करें तो बी तो एक ट्रायंगल है, पॉलीगन है, ट्रायंगल है, लेकिन इसके दोनों कोने निकल चुके हैं, अब यहाँ निकल गया ये दोनों कोना, है ना, तो ये निकल गया इसलिए इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे, ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। सी में क्या है, ये तो सीधे सीधे लाइन है ना सारे, है ना, एक लाइन दो लाइन, नंबर लिख दो क्या, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ लाइन्स हैं, तो पॉलीगन तो है ये, टिक हो गया पॉलीगन है। आठ साइड के पॉलीगन का नाम भी पता है क्या, किसी को पता है, आठ साइड के पॉलीगन का नाम होता है ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्टागन। आगे हम लोग और पढ़ेंगे ये सब चीज। डी में क्या है, दिल बन गया ये तो, डी में दिल बना, दिल बना हुआ है, दिल बना है तो ये पॉलीगन तो नहीं है, तो दिल है, है ना। ई में क्या है, पांच साइड है इसमें, एक एक दो तीन चार पांच, पांच साइड का पॉलीगन है, पॉलीगन तो है या टिक मार दो पहले, क्लोज है, सारी साइड्स अलग अलग बनी हुई हैं, पॉलीगन किसी भी शेप का हो सकता है, कितने भी साइड्स हो सकते हैं, साइड्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, तो ये पॉलीगन है। और पॉलीगन है, इसका नाम एक क्या होता है स्पेशल पता है, पेंटागन, पांच साइड है इसलिए पेंटागन। उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में तो रेक्टेंगल है, सबको पता है रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें डायगनल्स भी बन गए हैं दोनों, है ना, ये दोनों डायगनल्स है ना, बीच में जो दो लाइंस हैं इस तरह से, ये दोनों डायगनल्स हैं, तो ये रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, और इसके दो डायगनल्स बने हुए हैं। अगर डायगनल्स को एक्सक्लूड करना होगा पॉलीगन बनने के लिए, इसको डायगनल्स को हटाना होगा,
डायगनल्स के साथ ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है ना। डायगनल उसमें एडिशन है, समझना इस बात को, डायगनल उसमें एडिशन है, ठीक है। चलो पॉलीगन का अब हम लोग फाइनल डेफिनेशन पढ़ लेते, एकदम प्रॉपर वाला डेफिनेशन। पॉलीगन इज ए क्लोज टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल शेप मतलब, टू डायमेंशन का क्या मतलब हुआ पहले? टू डायमेंशन, डायमेंशन बोलते हैं जैसे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, एक क्या होता है, एक लेफ्ट और राइट होता है ना, यह लेफ्ट है यह राइट है, एक फ्रंट और बैक होता है, ये बैक है ये फ्रंट, ऐसे होता है ना, चार दिशाएं। तो वही जो दो ही दिशा में काम चल जाएगा, देखो दो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक डायमेंशन इसको बोलते हैं और एक डायमेंशन इसको बोलते हैं। तो जो प्लेन जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग करते हैं, जिस भी प्लेन के ऊपर, हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, कुछ भी बनाने के लिए एक प्लेन सरफेस चाहिए, तो प्लेन में हम लोग दो ही तरफ जा सकते हैं ना, या तो इधर एक इधर जा सकते हैं या ऊपर नीचे जा सकते हैं, या तो दाएं बाएं जा सकते हैं, आगे पीछे को नहीं करना है कंसिडर, या तो दाएं बाएं कर जा सकते हैं या आगे पीछे जा सकते हैं, या जैसे एक्सिस बनाते थे ग्राफ बनाने के लिए, हम लोग जो एक्सिस बनाते थे, दो एक्सिस बनाने से काम हो जाता है ना, यू और यू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यही नेगेटिव साइड में ये निकल जाता है इस तरीके से। तो इस तरह की जगह को टू डायमेंशनल जगह बोलते हैं। टू डायमेंशन से अलग क्या हो सकता है, जब ऊपर नीचे भी जाने लग जाए, जब सर ऊपर उठा के ऊपर देख लो या नीचे जमीन के अंदर घुसने की कोशिश कर लो, इस तरह का ऑप्शन जब आ जाता है तो वो टू डायमेंशनल से बाहर निकल जाते हैं। जैसे पक्षी, पक्षी आगे पीछे दाएं बाएं के अलावा ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं। एरोप्लेन रनवे पे पहले आगे जाता है फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, ये टू डायमेंशनल नहीं हुआ। इसके अलावा जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मैन है, कार है, मशीन है, सब टू डायमेंशन में ही रहते हैं, सब कुछ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई नहीं जाता है, तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशन। तो पॉलीगन भी टू डायमेंशन में ही रहता है, पॉलीगन ऊपर नीचे तो नहीं जा सकता है ना, प्लेन के ऊपर बनाते हैं तो प्लेन के ऊपर ही रहेगा। जैसे मान लो एक स्क्वायर में बनाता हूँ, यहाँ पे अब एक स्क्वायर में अगर इस तरह से बनाता हूं, तो ये इस प्लेन के ऊपर ही रहेगा ना, इसी प्लेन के ऊपर रहेगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इसका एक कोना ऊपर चला गया एक कोना नीचे चला गया, पेपर के ऊपर तो जा नहीं सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप। चाहे साइड कितनी भी हो पॉलीगन की, वो रहेगा तो दो डायमेंशन में ही। दैट हैज मोर देन थ्री और मोर स्ट्रेट लाइंस, तीन से कम स्ट्रेट लाइन में पॉलीगन नहीं बन सकता है। अगर सिर्फ दो लाइन हमें दी जाए तो एक इस तरह से हो एक इस तरह से हो, पॉलीगन बनेगा नहीं ना, ये क्लोज नहीं हो पाएगा। सिर्फ दो लाइन अगर है तो उसे क्लोज बन सकता है, क्लोज फिगर नहीं बन सकता है। क्लोज करने के लिए फिगर, एक क्लोज फिगर बनाने के लिए हम लोग को कम से कम तीन लाइन चाहिए, कुछ इस तरीके से, एक दो और ये तीन, तीन होगी तभी क्लोज हो सकता है, दो में क्लोज नहीं हो सकता है। हाँ कर्व होगा तो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, अगर कर्व बना दे हम लोग इस तरीके से, एक लाइन सीधी हो गई और एक यू कर्व बना लिया तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी पॉलीगन की बात कर रहे हैं, पॉलीगन में सारे साइड्स को क्या होता है, सीधे सीधे लाइन होनी चाहिए, इस तरह के शेप्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। पॉलीगन में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन दो से ज़्यादा होगी तभी पॉलीगन बन सकता है, दो में नहीं बन सकता है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एंगल्स। इसको थोड़ा सा देखना है, जो पॉलीगन नहीं है उन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सिर्फ पॉलीगन को ही रखते हैं। इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या क्या देखना है हमें, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एंगल्स। इसमें साइड्स कितने, पहले स्क्वायर को देखते हैं, साइड एक दो तीन चार साइड है, वर्टेक्स कितने हैं, नाम दे देते हैं वर्टेक्स को, ए बी सी और डी, चार वर्टेक्स भी हैं। एंगल नापे तो हर वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है ना, ए पे एक एंगल है, बी पे एक एंगल है, सी पे एक एंगल है, डी पे एक एंगल है, तो सभी की संख्या बराबर हुई, जितने साइड हैं उतने ही वर्टेक्स हैं उतने ही एंगल हैं, है ना। और कोई ऑप्शन है, इसको भी देख लो, ट्रायंगल में भी चेक कर लेते हैं, इसमें साइड्स कितने हैं,
इसका साइड है वन टू थ्री, तीन साइड्स हैं। वर्टेक्स का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। एंगल कितने हैं, पी पे एक एंगल बन रहा है, क्यू पे एक एंगल बन रहा है, आर पे एक एंगल बन रहा है। हुआ नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एंगल, सब बराबर है, तीनों बराबर है, हमेशा बराबर होंगे। पॉलीगन है तो सब कुछ को बराबर होना है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एंगल, तीनों को बराबर ही होना है। देखो पिछले पिक्चर में हमारे पास क्या था, पेंटागन था, ऑक्टागन था, इसमें भी चेक कर ले क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ पुरानी चीजों को। थोड़ा साइज बड़ा कर दिया जाए इसका, नंबर ऑफ साइड तो हमने देखा था इसमें आठ था, है ना। वर्टेक्स की काउंट कर लो, एक एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, आठ वर्टेक्स हो गए। साइड जितने थे उतने वर्टेक्स थे और हर वर्टेक्स पे एक एंगल होगा। पेंटागन की अगर बात करें तो इसमें भी वही होगा, ये हमारा पेंटागन था, इसमें नंबर ऑफ साइड्स पांच थे, वर्टेक्स एक दो तीन चार पांच और हर वर्टेक्स पे एक एंगल, एक दो तीन चार पांच, आ रहा है। चाहे कोई भी फिगर उठा लो, कोई भी पॉलीगन ले लो, उसमें कितनी भी साइड बना दो, हर बार नंबर ऑफ साइड जो है वो नंबर ऑफ एंगल और नंबर ऑफ वर्टेक्स के बराबर ही होगा। ये चेक कर सकते हो बना के, कुछ भी कितने भी साइड का पॉलीगन बनाकर इसको चेक कर सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्विमिंग पूल्स दिख रहे हैं, पूल में नहाए होंगे सभी, गए हो पूल में, गंगा में गए हैं सर, जानते तो हैं एटलीस्ट स्विमिंग पूल क्या होता है। स्विमिंग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो देर आर फोर ब्लॉक्स इन ए सोसाइटी, लुक एट द शेप ऑफ स्विमिंग पूल्स इन ईच ब्लॉक इन द फॉलोइंग फिगर्स। सभी अलग अलग शेप के स्विमिंग पूल हैं, है ना। ब्लॉक ए में देखो कैसा है, ब्लॉक बी में दूसरा है, सी में तीसरे तरीके का है, डी में चौथे तरीके का है, चार अलग अलग शेप के स्विमिंग पूल हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्विमिंग पूल होने से क्वेश्चन तो नहीं हुआ, आर दीज पॉलीगन्स, इसमें से कौन कौन से पॉलीगन है कौन से पॉलीगन नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला को देखो, ये पॉलीगन है या नहीं है, देखो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है ना, किस कलर से लिखूं मैं, ग्रीन से लिखता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सारे स्ट्रेट लाइंस है ना, इसमें कर्व तो कहीं दिख नहीं रहा है, पीछे इधर भी कर्व नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके का है, जैसा इधर है वैसा ही उधर भी है, इसमें कर्व कहीं भी नहीं है, सारे स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉलीगन होगा, यस ये पॉलीगन है, यस। बी की अगर बात करें तो बी में तो एक कर्व आ गया है यहाँ पे, यूं छोटा सा कर्व बना दिया एक, अब कर्व बना दिया है तब तो पॉलीगन हो नहीं सकता है, पॉलीगन होने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ लाइन होनी चाहिए थी, ये पॉलीगन नहीं है, नो पॉलीगन नहीं है। देखो पॉलीगन कहाँ कहाँ मिल जाता है हमें, रूम को देख सकते हो तुम, तुम्हारा जिस भी रूम में बैठे हो, क्लासरूम हो, घर पे कोई रूम हो, वो पॉलीगन है या नहीं है डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। ब्लॉक सी को अगर देखे तो इसमें भी एक कर्व है, यहाँ पे ये वाला कर्व एक हो गया है, बड़ा सा कर्व है, इसमें तो बहुत बड़ा कर्व है तो पॉलीगन नहीं है, नो अगर कर्व है तो वो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। डी में सारी स्ट्रेट लाइंस है, है ना, ये सारे कोई कर्व्स नहीं है, सारे स्ट्रेट लाइन है, इसमें सारी सीधी सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो पॉलीगन हो जाएगा, यस हो जाएगा ना, ठीक है। चलो बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।